अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ वॉल क्लॉक की। और जो है मैंने मंगवाया था उसके लिए 30 इंच का MDF। तो यहाँ पर देखेंगे MDF मुझे रिसीव हो चुका है। अब मैंने इसे जो है सेट कर लेना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो है रेजिन, गोल्ड फ्लेक्स और पेंटिंग कलर्स थे। उसके अलावा जो है कप्स वगैरह थे जो भी इसमें यूज़ होते हैं, स्टिक्स होती हैं वो हैं। उसके अलावा मार्कर, पेंसिल, ब्रशेस वगैरह और ये जितनी भी ज़िपलॉक में आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्डर की थी MDF के साथ। और लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी थी क्योंकि वीडियो डिलीट हो गई थी। उसके अलावा पिगमेंट्स वगैरह और मास्किंग टेप वगैरह जो है मैंने इसके साथ यूज़ की हैं। अब चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में जो है हमने यहाँ पे पहले से ही पेन से, मार्कर से हमने यहाँ पे लाइन्स बना लेनी है। और इसके अलावा हमने लिख लेना है कि यहाँ पर हमने ये कलर करना है ताकि हमें ईजी हो जाएगा। और जहाँ पर हमने जो कलर करना है वहाँ पर हमने उसको पेंटिंग कलर से पेंट कर देना है ताकि जो है हमें पता चल जाए कि इतने हिस्से में हमने इस कलर का रेजिन पोर करना है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन और वाइट लेना था तो मैंने ग्रीन और वाइट यहाँ पे पेंट किया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो मैं पेंट कर रही हूँ MDF के ऊपर। ये लाजमी स्टेप है, आपने ये स्टेप लाजमी से करना है। तो जहाँ जहाँ मुझे ग्रीन पेंट करना था वहाँ पे बस मैंने स्टार्ट किया और ग्रीन पेंट किया। और जहाँ पर मुझे वाइट पेंट करना था वहाँ मैंने स्टार्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वाइट पेंट जो था वो ख़त्म हो चुका था और मेरे जहन में भी नहीं था कि ये मुझे मंगवाना है। लेकिन अब मुझे कंप्लीट तो करना था, फिर मैंने ब्लैक पेंट से ही स्टार्ट किया और जो है मैंने इसे कम्प्लीट किया। इसके जो भी पेंट वगैरह था ये मैंने कम्प्लीट किया, बट ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, आपने ये नहीं करना। इस गलती को मैंने तो कवर कर लिया लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये भी मेरी भी फर्स्ट टाइम ही था कि मैंने ये मतलब कि MDF पे जो है वॉल क्लॉक बनाई है। आप लोग भी फर्स्ट टाइम अगर बना रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये मेरी सजेशन है, एडवाइस है कि आप लोगों ने कभी भी ब्लैक पेंट नहीं करना, वही पेंट करना है जिस कलर की आपने जो है रेजिन पोर करनी है। क्योंकि वाइट कलर को मैंने इतना डार्क कर दिया लेकिन फिर भी वो जो है ब्लैक को नहीं छुपा पा रहा था, तो बस ये मेरी गलती थी। देन फिर मैंने स्टार्ट किया इसको जो है मास्किंग टेप से, मैंने इसको कवर कर लिया और उसके बाद मैंने ग्लव्स वगैरह पहन लिए थे। मास्क मैंने नहीं था पहना। आप लोग अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो आप मास्क और ग्लव्स लाजमी पहनिएगा, एहतियात लाजमी होती है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले रेजिन को जो है मिक्स कर लेना है, रेजिन और हार्डनर को। तो मेजरमेंट स्केल मेरे पास नहीं था, अगर आप लोगों के पास हो तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक कप का हिसाब बना लिया था। एक कप जो है मैंने हार्डनर लिया था, तो दो कप जो है मैं रेजिन को जो है इसके अंदर डाल दूँगी। और इससे जो है मुझे मतलब कि तकरीबन भी 10 से लेके 15 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल आहिस्ता से इसको मिक्स करते रहना है। बिल्कुल भी तेज़ आपने इसको मिक्स नहीं करना और ना ही कम टाइम लगाना है। आपने जो है तकरीबन भी इसको 10 से लेके 15 मिनट तक आपने जो है ना इसको अच्छे से मिक्स करना है आस्ता से। ये वीडियो जो है मैंने 2x पे की हुई है तो ये आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो अगर मैं वैसे बनाती तो ये मतलब कि आधे घंटे से भी ज़्यादा की जा रही थी, तो आप लोगों ने बोर हो जाना था। अच्छा जी, तो बस यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया। अब जो है मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब मैंने इसको साइड पर जो है जितने भी मेरे पास कप्स थे मैंने उसके अंदर ऐड करने स्टार्ट कर दिया। पहले जो है मैं ले रही हूँ यहाँ पर ग्रीन मीका पाउडर, क्योंकि मैं यहाँ पे मीका पाउडर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छा सा जो है अपना ही खुद से मिक्स होकर जो ना बहुत अच्छा सा डिज़ाइन दे लेता है कलर के बनिस्बत और पिगमेंट से। तो बस इसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इससे जो है मिक्स करके अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी ग्रीन पोर्शन थे जहाँ पर मैंने पहले से ग्रीन पेंट करके रख लिया था वहाँ पर जो है मैं स्टार्ट कर दूँगी इसे पोर करके। इसे हमने स्टिक की हेल्प से जो है बिल्कुल सेट कर लेना है, और या तो फिर आपने इसे अपने हाथ की हेल्प से जो है ना, क्योंकि अपने ग्लव्स वगैरह पहने होने लाजमी हैं, तो आपने इसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो बस यहाँ पर पहले मैंने इसे स्टिक की हेल्प से सेट कर लिया था, देन उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसको अपने हाथ से भी सेट कर लूँगी। हाथ में जो है आप ग्लव्स को जो है एक दो जो है एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी, या तो फिर आप किसी एक को ज़रूर साथ रखिएगा जो आपकी थोड़ी बहुत सी हेल्प करता रहे। तो यहाँ पर मेरी कज़न साथ थी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रही है, बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही, क्योंकि मैंने ये फास्ट की हुई है। स्टैंड मेरे पास इतना बड़ा था नहीं और छोटे वाले पे सही बन नहीं थी रही, तो बस फिर मैंने इसको इस तरीके से किया क्योंकि मैं बना नहीं थी सकती, क्योंकि मोबाइल मेरा सारा ख़राब हो जाना था क्योंकि मेरे हाथ पे लगी हुई थी रेजिन। काम करते हुए आप जो है किसी और चीज़ को ना ही मतलब कि हाथ लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। बस इसको इस तरीके से हमने सेट कर लेना है, और मैंने दोबारा भी इसके ऊपर पोर किया और उसको दोबारा से मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ पर जो है मैं वाइट जो है
वो ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने वाइट जो है मेकअप पाउडर ऐड नहीं किया था, ये मेरे पास नहीं था, तो बस यहाँ पे क्योंकि मुझे इसको गोल्डन शेड में भी लाना था, वाइट में भी लाना था और भी तीन चार शेड ऐड करने थे, इसलिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर ही यूज़ किया है। देन इसमें वाइट पिगमेंट मैंने यूज़ किया है, तो बस यहाँ पर देखें मैंने ब्लैक के ऊपर मैंने इसे जब ऐड किया ना तो ये मतलब नहीं उसको सेट कर पा रहा था। तो यही सजेशन है कि आप लोग ये ना गलती कीजिएगा। देन पे यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है वापस से ग्रीन मेकअप पाउडर ऐड किया और अब इसके अंदर जो है मैं फायर ग्लास ऐड कर दूंगी, जो कि मुझे पहले ये डिज़ाइन बनाना था, देन उसके बाद मुझे दोबारा से वो पोर करना है। तो यहाँ पे मैंने फायर ग्लास ऐड कर लिए हैं। आप अपने अंदाजे के मुताबिक ऐड कर सकते हैं कि कितने आपको जो है आपकी वॉल क्लॉक जो आप बना रहे हैं वो कितनी बड़ी है और उसकी कितनी एजेस वगैरह पे या कहाँ कहाँ पर आपने डिज़ाइन बनाना। बस उस तरीके से मैंने इसमें रेजिन में मिक्स किया और इसे अब मैं लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं सेट करती जा रही हूँ। ये ना मेरा फर्स्ट ऑर्डर था जो कि मुझे सियालकोट से आया है और उन्होंने मुझे ये पिक्चर भेजी थी एक कि आपने ना ये वाला बनाना है, तो उसमें जो कलर्स थे वो बिल्कुल लाइट लाइट से थे, तो मैंने थोड़े से जो है इन कलर्स को डार्क किया है अपनी तरफ से और कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था यही कलर कॉम्बिनेशन जो मैंने किया। आप भी जो है क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे, आप जो भी कलर आप इसमें लेते हैं उसके में मेरी सजेशन यही है कि आप वॉल क्लॉक में जो है मेकअप पाउडर ही यूज़ करें, क्योंकि ये जो है ना बहुत प्यारा सा अपना एक स्ट्रक्चर, बहुत प्यारा सा अपना एक लुक दे देता है। और जो इसके अलावा हम पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं वो सिंपल ही रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने यहाँ जिसको सेट करती जा रही हूँ साइड साइड्स पे, आपने भी इसको इसी तरीके से सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है तीन कलर्स के बनाए थे फायर ग्लासेस। फर्स्ट पे जो है मैंने ग्रीन वाले यूज़ किए थे, फिर मैंने गोल्डन यूज़ किए थे और फिर मैंने सिल्वर यूज़ किए थे। और अगर आप कहते हैं कि हमारे पास यही कलर अवेलेबल है तो आप यही कलर यूज़ कर सकते हैं, वरना तो आप इसको इस तरीके से भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पर अब मैं दे रही हूँ गोल्डन। गोल्डन जो है मैंने मेकअप पाउडर यहाँ पर यूज़ किया था, तो गोल्डन मेकअप पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर लेना है, इसे मिक्स कर लेना है और इसके ऊपर फिर मैंने जो है फायर ग्लासेस डालने हैं और उसे मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर लगा लेना है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी इंटरेस्टिंग लग रही है या फिर आप इस वीडियो को देख के थोड़ा सा भी जो है कोई भी चीज़ आपको समझ में आ रही है तो आपने वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ये वीडियोज़ बनाना बिल्कुल भी ईजी नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये काम ही ईजी नहीं है, एक तो ये काम करते हुए फिर साथ में वीडियो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं की जाती, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तो इसलिए कि जो भी चीज़ें मुझे मुश्किल हुई मैं आप लोगों को ये सिखा दूँ कि इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको यही इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये मुश्किल ना हो, आप इजीली जो है वॉल क्लॉक को बना सके। क्योंकि मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने कहीं से भी क्लासेस वगैरह नहीं ली हैं, मैंने ऑनलाइन ही सीखा है, तो उसके बाद मुझे बहुत मुश्किल हुई कुछ चीज़ों में, लेकिन ये मेरा फर्स्ट ट्राई था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, कि कस्टमर को आपकी चीज़ें पसंद आ जाए, तो बस आप समझे कि हाँ भाई आपकी मेहनत हो गई है वसूल। तो मेरे कस्टमर को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद आई, तो फिर मुझे लगा हाँ भाई काम अगर फर्स्ट टाइम में किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा हुआ है। बस आपने जो है पहले से सारा सामान अपना इकट्ठा करके रख लेना है, कोई चीज़ यहाँ वहाँ नहीं हो, अपनी चीज़ों को पहले से आप लिस्ट बनाए कि हमने ये चीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। देन फिर आपने जो है अपनी सब चेक करके स्टार्ट कर देना है। और बस ये जो है मैंने फिर इसके ऊपर वाइट जो है मैंने ऐड कर लिया था रेजिन में और उसे मैं पोर कर रही हूँ। इसमें मैंने वाइट के तीन चार शेड दिए थे, वो इस तरीके से कि किसी में मैंने मेकअप पाउडर यूज़ किया था, किसी में जो है मैंने जस्ट पाउडर यूज़ किया था, कलर यूज़ किया था, किसी में मैंने एक्रिलिक पेंट यूज़ किया था और किसी में मैंने गोल्डन के साथ सिल्वर भी यूज़ किया था। तो बस इसी तरीके से जो है ना आपने इसमें भी ऐड करते जाना, आप जो भी वॉच बना रहे हैं उसके कलर्स को आपने पहले अच्छे तरीके से देख लेना है कि मैं जो आपको तस्वीर भेजी गई है उसमें कौन से कलर्स यूज़ किए गए हैं। देन फिर मैंने यहाँ पर गोल्डन दे दिया है और गोल्डन के बाद मैंने ब्राउन दे दिया है। बस इसी तरीके से जो है मैंने इसे बना लिया और इसके ऊपर मैंने शेड्स अपनी तरफ से देती गई थी कुछ भी मेकअप पाउडर कलर्स या पिगमेंट्स ऐड करके। तो देखिए यहाँ पर है जी इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। ये इसके जो है ना मैंने इसके ऊपर शेड्स वगैरह दिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी जो है दे सकते हैं, अगर ये पसंद आ रही है तो आप ज़रूर लाइक कर दें।
चले जी ये सूख गई है, इसे 24 घंटे लगे थे सूखने के लिए। देन फिर इसके बाद मैंने इसे इसकी मास्किंग टेप रिमूव की है। मास्किंग टेप रिमूव करते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि इसके एजेस वगैरह बने होते हैं जिसकी वजह से जो है आपके हाथ पे चोट लग सकती है। मेरे हाथ पे चोट लग गई थी, मेरे नेल्स के अंदर जो है ये बहुत बुरी तरीके से इसकी एक एज लग गया था और मेरे बहुत ज़्यादा जो है ब्लीडिंग वगैरह हुई थी मेरे हैंड से। तो बस आपने एहतियात करनी है। देन फिर यहाँ पर जो है मैं गोल्डन मार्कर से भी इसके ऊपर लाइन्स वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा इसका डिज़ाइन ही थोड़ा इस तरीके से है। फिर उसके बाद हमने इसकी एजेस वगैरह कट कर लेनी है। आप जो है नाइफ़ या फिर उसके सीज़र के साथ या कटर के साथ भी आप इसकी एजेस वगैरह को कट कर सकते हैं। पर इसके रेडी होने के बाद जो है मैंने यहाँ पर ये एक्रिलिक कटिंग्स वाले रोमन काउंटिंग मंगवा ली थी और इसे भी जो है मैं इसके ऊपर सेट कर दूँगी, इसलिए ताकि हम पहले से निशान लगा लें कि हमने यहाँ पर लगानी है। उसके बाद इसके ऊपर दोबारा से रेजिन मैंने जो है फाइनल लेयर दे दी है। फाइनल लेयर के इसकी बहुत ज़्यादा सी जो खूबसूरती है वो प्यारी सी जो है निकल कर आए। तो बस फाइनल लेयर जो है आपने इसके जब बिल्कुल सूख जाए उसके बाद ही देनी है। तो यहाँ पे फाइनल लेयर देने के बाद यहाँ पे मैं जो है लगा रही हूँ इसके ऊपर से नंबर के। आप मैंने यहाँ पर एक्लिरिक जो नंबर्स मैंने मंगवाए थे उसकी मैंने शीट नहीं उतारी थी, मैंने कहा था कस्टमर खुद उतारेंगे वरना इसकी शाइनिंग और भी ज़्यादा होती। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बन चुकी है, बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमने ये ऐड कर देने हैं निडल्स और मशीन वगैरह लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं इसके एजिस के ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर का पेंट भी कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है मेकअप पाउडर भी ऐड कर लिया था ताकि जो है ये शाइनिंग दे। बस ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ये रेडी हो गई है थी इसकी फाइनल लुक। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को बहुत पसंद आई। अब यहाँ पर आ जाता है पैकिंग, क्योंकि ये जानी थी सियालकोट और मैं रहती हूँ सिंध के एक छोटे से शहर में। तो मैं हूँ सांगर से, तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसे अच्छे तरीके से पैक किया, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन थी बस ये टाइमली डिलीवर हो जाए और बहुत अच्छे से डिलीवर हो जाए। बस इसे मैंने इस तरीके से पैक किया, इसके ऊपर जो है कार्डबोर्ड यूज़ किए, बबल रैप यूज़ की, शीट यूज़ की, टेप वगैरह यूज़ की और ये देखें यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से पैक कर लिया है। और इसके ऊपर मैंने लिख दिया था कि एहतियात करें, नाजुक सामान है, टूट ना जाए। और मैंने जो भी जिस पार्सल कंपनी के थ्रू भिजवाया उन्हें भी मैंने यही कहा था कि एहतियात से लेके जाएगा। ये इसकी ट्रांजिशन थी जो मैंने बनाई। बस यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।